फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ शूलिनी यूनिवर्सिटी और यहाँ पे मेरे पास मेरे साथ मेरी स्टूडेंट गाइड है जिसका नाम है मुस्कान। और मुस्कान यहीं से है, सोलन से, लोकल एरिया से है। तो मुस्कान, आप बताओ, आप इस प्लांट को क्या बोलते हो? हम इसे टिम्बल बोलते हैं। टिम्बल, ओके। तो आप क्या क्या यूज़ करते हैं इस प्लांट का? इसकी सब्जी भी बनती है और हम इसे ज़्यादा परांठों में यूज़ करते हैं। परांठों में कैसे? मैम, जैसे आलू का बनाते हैं ना, बस उसी को मतलब मिक्सचर बनाना है इस चीज़ का, बॉइल करके। ओके। और इसके पत्तों को भी यूज़ करते हो क्या? मैम, इसके पत्ते बेसिकली सर्विंग के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो आप प्लेट्स बनाते हो या एज सच यूज़ करते हो? प्लेट्स बनाते हैं, लार्ज स्केल में कि अपने पर्सनल? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और कहीं पर जा रहे हैं उसके लिए? और इसके अलावा? और तो मैम, और तो घास या लकड़ी या कुछ और? गाय के लिए। लकड़ी का ऐसे चिकना। और अच्छा, परांठे में यूज़ करते हैं। सब्जी कैसे बनाते हैं आप इसे? मैम, सब्जी भी ऐसे बॉईल करके बन जाती है, फिर काट के अच्छे से, बहुत टेस्टी है। अच्छा, आपने खाई है? आपके घर में बनती रहती है? ये प्लांट्स यहाँ पे लार्ज स्केल में है कि कम है? लार्ज स्केल में है। लार्ज स्केल। और कोई मेडिसिनल यूज़ है इस प्लांट का? ऐसा तो मुझे कोई आइडिया नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये प्लांट पूरे हिमाचल में वैसे बहुत ग्रो करता है और मैंने बहुत रीजनल डिफरेंस देखे हैं कि कुछ एरिया में तो लोगों के लिए कोई यूज़ का नहीं है और जैसे कि मुस्कान बता रही है तो यहाँ पे लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। इसके बताने से ही पता चल रहा है, परांठों में भी यूज़ करते हैं और सब्जी भी बनाते हैं और इसकी पत्तियों को सर्विंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जबकि मैंने देखा जंजैली साइड में गई थी, चैल चौक में, तो वहाँ लोग इसको यूज़ नहीं करते थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको बताया और अब वो लोग इसका अचार बना के बेच रहे हैं। हाँ, मैंने अचार खाया है बट वो दूसरी जगह से, मतलब हमारे यहाँ अचार नहीं बनाते। तो आप बोल सकते हो ये इट्स गुड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है। yes. तो वो लेडीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ हैं, वो उसको निकाल निकाल के अचार बना के वेरियस टू एग्जीबिशन रखती हैं, वहाँ पे बेच रही हैं। सो थैंक यू मुस्कान। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट लगे हैं और ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैंपस में ऐसे मल्टीपर्पज़ प्लांट्स को ग्रो करें ताकि बच्चों को भी एक अच्छा एक्सपोजर हो और वो अपनी रूट्स से जुड़े रहें, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से जुड़े रहें। सो थैंक यू।